हेलो फ्रेंड, कैसा है? तो फ्रेंड, आज का इस वीडियो में हम आपको व्हाट्सअप की तीन ट्रिक दिखाऊंगा जो कि आप व्हाट्सअप यूज़ करने में आपको बहुत ही मज़ा आएगी एंड आप व्हाट्सअप की मास्टर बन जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर वन, अगर आप दूसरी किसी को अपना व्हाट्सअप से मैसेज सेंड करना चाहते, आप उसका नंबर को सेव करना नहीं चाहते, यानी बगैर किसी नंबर सेव किए हुए किसी को भी व्हाट्सअप में मैसेज कैसे करें, सिंपल सा प्रोसेस है। आप एनी ब्राउज़र आप ओपन कीजिए, ब्राउज़र में आप सर्च कीजिए https://wa.me, देन स्लैश आप नंबर सेलेक्ट कीजिए, देन सर्च कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं कंटिन्यू टू चैट, जब भी कंटिन्यू टू चैट में क्लिक करेगी तो डायरेक्ट व्हाट्सएप में पहुँच जाएगी, देन उसके बाद आप चैट कर सकते हैं। ट्रिक नंबर टू, अगर आप बहुत ही बिजी है तो अपना व्हाट्सएप में बहुत ही लोग मैसेज सेंड करते हैं एंड आप उसी मैसेज को रिप्लाई दे नहीं पाते, तो इस सिचुएशन में अपना व्हाट्सएप में ऑटो रिप्लाई मैसेज सेट कर सकते हैं, यानी जब भी कोई कुछ मैसेज सेंड करेगी तो अपना व्हाट्सएप की तरफ से ऑटोमेटिकली एक मैसेज सेंड हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहली सिंपल सा प्रोसेस है, एक थर्ड पार्टी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना मानते हैं, आप प्ले स्टोर में चले जाइए, जाने के बाद ये जो एप्लीकेशन देख रहे हैं इस एप्लीकेशन सबसे पहले डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद आपको ऐसा ही इंटरफेस दिखाई देगी। पहले जो देख रहे ऑटो रिप्लाई ऑफ, यहाँ पर आप ऑन कीजिए, ऑन करने के बाद यहाँ पर जो देख रहे सिलेक्ट योर टेक्स्ट, तो यहाँ पर ऑटो रिप्लाई के लिए इस एप्लीकेशन देर सारा कुछ टेक्स्ट मैसेज दे देते हैं। यहाँ पर पहले जो देख रहे आई एम बिजी टेक्स्ट सिमुलेटर, यहाँ पर ऑटो रिप्लाई के लिए सेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कस्टम देना चाहते हैं अपना हिसाब से कुछ मैसेज, तो यहाँ पर जो देख रहे एडिट का आइकन, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद अपना हिसाब से ऑटो रिप्लाई के लिए कुछ सेट कर सकते हैं। तो मैं अभी रख देता हूँ आई एम बिजी टेक्स्ट सिमुलेटर, फॉर एग्जांपल मैं ऑटो रिप्लाई के लिए ये मैसेज रख देता हूँ, देन उसके बाद टिक मार्क में मैं क्लिक किया, उसके बाद कॉन्टैक्ट में चले जाइए, जाने के बाद यहाँ पर जो देखें कौन कौन आपको मैसेज कर सकते हैं एंड मैसेज करने के बाद ऑटो रिप्लाई हो, तो यहाँ पर जो देख रहे FD1, दूसरी जो देख रहे माई कॉन्टैक्ट लिस्ट, तीसरी जो देख रहे एक्सट्रेप माई कॉन्टैक्ट लिस्ट, यानी आप अपना हिसाब से दीजिए। ओके, तो बेस ऑटो रिप्लाई के लिए मैसेज सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी मैं दूसरी व्हाट्सअप से मेरा इस व्हाट्सअप चेक कर लेता हूँ ऑटो रिप्लाई काम करते हैं या नहीं काम करते, तो मैं अभी मैसेज एक सेंड कर लेता हूँ। ओके, तो मैं दूसरी व्हाट्सअप से इस व्हाट्सअप में फॉर एग्जांपल हाई लिख के मैं सेंड किया, सेंड करने के बाद अभी देख लेता हूँ ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड होते हैं या नहीं होते। ओके, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं मैं दूसरी व्हाट्सअप से हाई लिखा चेक करने के लिए एंड मेरा इस व्हाट्सअप में ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड हो चुके हैं जो मैं सेट किया आई एम बिजी टेक्स्ट रिलेटेड, यहाँ पर जो देख रहे हैं। ओके, नंबर थ्री, अपना व्हाट्सअप में शेड्यूल कैसे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में चले जाइए, जाने के बाद शेड्यूल मैसेज फॉर व्हाट्सअप लिख के सर्च कीजिए, जो देरों सारो एप्लीकेशन मिल जाएगी, या फिर मैं जो एप्लीकेशन यूज़ करो ये एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी इस एप्लीकेशन ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पर ऐसे इंटरफेस दिखाई देगी, तो मैं एक्सिप में मैं क्लिक किया, एक्सिप में क्लिक करने के बाद यहाँ पर श्योर में मैं क्लिक किया। ओके, श्योर में क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन का मैं एक्सेस दे देता हूँ, यानी परमिशन दे देता हूँ, देन मैं परमिशन देन मैं अभी बैकग्राउंड प्रेस किया। उसके बाद यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर से आप शेड्यूल करना चाहते हैं या मैसेज देना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल कुछ यानी कुछ आप नंबर सेट कीजिए एंड मैसेज आप सिलेक्ट कीजिए जो मैसेज आप शेड्यूल करना चाहते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे शेड्यूल ऑन, यहाँ पर डेट जो देख रहे डॉट जो डेट पर आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो उसी डेट आप सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे शेड्यूल मैसेज, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, देन मैसेज में क्लिक कीजिए, फिर मैं यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने बाद शेड्यूल में क्लिक किया है, तो यहाँ पर जो देख रहे जो मैं डेट टाइम सेट किया तो उसी डेट टाइम में ऑटोमेटिकली उसी दिन चले जाएगी मैसेज। तो ये तीन ट्रिक में से कौन सी ट्रिक आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।